वडनगर रेलवे स्टेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी से जुड़ा ये वो यादगार लम्हा है जब प्रधानमंत्री बचपन में अपने पिता के साथ जब ट्रेन आती थी तो ट्रेन में चाय बेचने का काम किया करते थे। इस वक्त हम मौजूद है वडनगर रेलवे स्टेशन पर और आप देख सकते हैं ये वही चाय की दुकान है जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास यहाँ पे चाय बनाया करते थे और प्रधानमंत्री अपने स्कूल से छूटने के बाद जो बीच में उनको ब्रेक का वक्त मिलता था उस वक्त प्रधानमंत्री यहाँ पे आते थे और तभी जो ट्रेन गुजरती थी उस ट्रेन में प्रधानमंत्री चाय बेचा करते थे। हालाँकि अब इसे एक टूरिज्म स्पॉट के तौर पर डेवलप किया जा रहा है, यहाँ पे टूरिज्म डेस्टिनेशन बनेगा, इस पूरे रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण किया जाएगा और ख़ास करके ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये जो चाय की दुकान है उसे नहीं तोड़ा जाएगा, ये रेलवे स्टेशन है उसे यही रखा जाएगा। हालांकि इसका एक रिनोवेशन का काम किया जाएगा ताकि ये पूरी तरीके से नया दिखे। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पे हालात है, यहाँ पे लिखा हुआ है, चाय के फ़ोटोज़ बने हुए हैं, यहाँ पे बहुत साल पहले यहाँ पे चाय बनाया करते थे, लिखा हुआ है चाय, कॉफ़ी, जलेबी जैसी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती थी। जब ट्रेन यहाँ से गुजरती थी तब उस ट्रेन में जाके ये सारी चीज़ें अपने पिताजी को मदद करने के लिए बेचा करते थे, लोगों को चाय देते थे। हालांकि प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की ज़िंदगी का सफ़र भी हम कह सकते हैं यही से शुरू हुआ जब मणिशंकर अय्यर ने ये कह दिया था कि एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है।